अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके? आज का दिन मेरे लिए बड़ा स्पेशल दिन है। आज के दिन मेरी बर्थडे है और इसी बर्थडे के सिलसिले में मैं अभी आया हूँ इल्फर्ड लेन में। तो इल्फर्ड लेन में जो है यहाँ पे दोस्तों ने मुझे बुलाया। एक ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं उसके सामने ही खड़ा हूँ। ये आइस क्या है, आइस स्टोन डेजर्ट्स। तो ये आइस स्टोन डेजर्ट्स में यहाँ पे दोस्तों ने बुलाया मुझे और कुछ दूसरे नए दोस्त हैं और कुछ वही बहरीन वाले अपने पुराने दोस्त। तो चलते हैं, देखते हैं कि अपना यहाँ पे क्या उन्होंने मेरे लिए स्पेशल किया हुआ है और उसके बाद ज़रा मिलते हैं इनसे, बात करते हैं फिर। तो ये देखें जी, ये आइस स्टोन डेजर्ट, ये इल्फर्ड लेन में, ये माई चाय के बिल्कुल साथ। अच्छा, ये बैठे हुए हैं जी सारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? कब आए वापस आप? वापस मैं आया था यकम को। तो पाकिस्तान का टूर कैसे रहा? पाकिस्तान का टूर तो बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन, जबरदस्त। सामने आपके लिए ये छोटा सा अरेंजमेंट किया था। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर। मुलाकात आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत बस आपके लिए, नाक के लिए, नाक के लिए जूते की तरफ से गिफ्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी क्या जरूरत थी? लफा खुल जाएगा ये आपके लिए। ओ रियली यार, लव यू भाई। तो ज्यादा नहीं करना, उनको कॉपी भी करें ना बस। अच्छा माशाल्लाह, एजाज भाई, एजाज भाई आपका बहुत शुक्रिया यार, आप रीडिंग से आए हो। और यूसुफ भाई आपका भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आप दोनों ये भाई रीडिंग से आए हैं जी, रीडिंग से स्पेशल सिर्फ यहाँ पे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इधर आए हैं। तो काफ़ी मतलब इधर से तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है शायद। थैंक यू वेरी मच। आपकी बर्थडे आज के लिए छोटा सा। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। इसकी ज़रूरत नहीं थी, थैंक यू जी। ये मंगवाया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या थैंक यू। तो मुझे मेरी ज्यादा लग रही है। हैप्पी बर्थडे नज़ाकत भाई। थैंक यू, थैंक यू। कब खत्म होगी ये भूख वाली? नाम तो नहीं है और तो कोई देगा नहीं इनको ये। चलो 1 2 3 एक मिनट ना जब। चलो 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मजाक कर रहे हैं ना? नहीं नहीं ले ले नहीं नहीं अच्छा जी, अभी मैं माशाल्लाह, पहले तो आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों ने इधर बुलाया मुझे और इतनी खिदमत गुजारी आप लोगों ने की, लव यू हो गया ठीक है। और दूसरा, मैं अभी नाजरीन इनसे, ये जितने भी मेरे दोस्त हैं
इन दोस्तों से आज के दिन, बर्थडे वाले दिन जो है वो मैं इनसे एक एक एडवाइस अपने अगले साल के लिए कि अगला साल मैं कैसे गुजारूं या आगे ज़िंदगी में कैसे गुजारूं, तो ये मैं इनसे लेने वाला हूं। और अभी इनसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आप एक एक एडवाइस दें तो नहीं, आप आपने अभी बोलना। तो यूसुफ भाई आप बताएं कि मतलब मुझे कुछ एडवाइस देना वो कि मुझे किस तरह वैसे तो आप हमारे बड़े, आपको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं, आपसे लेने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी छोटे भाई के कोई मशवरा कुछ। हाँ, मैं सजेशन ये दूंगा जिंदगी को बेहतर बना सके। ठीक है, मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर आप किसी की हेल्प कर सके तो थोड़ा इजी वे में किया करें। आपके पास अगर कोई नॉलेज है तो वो जितना जल्दी और इजी वे में आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं हर चीज़ में एथिक्स। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह हम लोग हकीम होते हैं ना, अभी ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता, पहले बहुत अच्छे होते थे, तो उनकी मिसाल बड़ी मशहूर है कि वो उन्होंने अपना नॉलेज पास ऑन नहीं किया और किसी ना किसी वजह से विथहेल्ड किया कि यार ये मुझसे खुद ही एक्सेस करें अपनी वैल्यू ज़्यादा करने के लिए, जो भी रीज़न होता है। तो आप कोशिश किया करें कि आपसे अगर स्पेशली जब यार दोस्त हों, कोई भी छोटे भाई हों बड़े भाई हों, तो आप इजीली उनको जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है विद इन नो टाइम विद इन ऐसे फॉरवर्ड किया करें, ये बहुत अच्छा। थैंक यू आजाद भाई। आजाद भाई आपको एडवाइस क्या, तो आज आपकी बर्थडे और नज़ाकत भाई से मेरी मुलाकात आई थिंक 2 महीने पहले हुई होगी, पहली बार में हम मिले थे। जी जी बिल्कुल। तो काफ़ी खुश दिल और लाइवली इंसान है, मतलब हम उसके बाद हम कार्डिफ मरे नहीं अभी। ठीक है, देखा होगा तो ये भाई भी कार्डिफ ब्रिस्टल में मेरे साथ हैं। बाद में भी वो पहले वो व्लॉग तो है तो वहाँ भी मुलाकात हुई, मतलब काफ़ी हमने अच्छा टाइम गुजारा। अब पांचवी मुलाकात है हमारी, के छठी मुलाकात है। रजिस्टर एडवाइस मैं यही दूंगा कि आप ऐसे ही रहें जिस तरह आप हैं। टू हेल्प विद अदर्स जो आपको अच्छा, ये फिर अफरान भाई आपकी तरफ से कुछ मैं सुनना चाहूँगा जरूर। छोटी सी आपको एडवाइस तो क्या है, अपनी भाइयों वाली बात है। माशाल्लाह आप जैसे इन भाई ने कहा कि आप लाइवली हैं और रौनक लगाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। शुक्रिया। तो आपको इसके अलावा क्या एडवाइस देनी है? बस मेरी मतलब एक भाइयों वाला जो मशवरा होगा वो ये होगा कि आप क्योंकि एक नए एडवेंचर पर निकले हैं, यहाँ आए हैं, उसमें यह है कि आप अगर अपने आप को ना फोकस कर लेंगे, मतलब माशाल्लाह आपका इंटरेस्ट बहुत चीज़ों में होता है, आपका स्पेक्ट्रम जो है ना बहुत बड़ा है। तो आप बहुत ही चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि चंद चीज़ें चूज कर रहे हैं, ये बस मैंने अगले एक साल में कि 3-4 चीज़ों पर फोकस करना। तो मेरा सजेशन ये है कि उससे हेल्पफुल होता है, आपको स्ट्रेस कम होगा और शायद आप अचीव कर लें। मैं इस तरह काम करता हूँ। ठीक है। थैंक यू सर। नदीम भाई यार तरफ से यही एडवाइस है, प्राण भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये तुम ना डाइवर्ट होते हो, मुस्लिम को कॉपी ना करें यार। नहीं प्राण भाई वाली नहीं बोल रहे, नहीं आपने नहीं, अपनी बोलनी है ना, आपने अपनी बोलनी। हाँ, मैं कल कल अपनी बोलूंगा। हाँ जी कल दूंगा ना। ना अभी बताइए, अभी यार अभी जो जहन में आ रही है वो बोले दूसरों की हेल्प क्या करें यार, इस चीज़ में ना लैग करते हैं पूरा। हर चीज़ में फॉर्मल होना जरूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें किसी के मतलब वैसे ही आप हेल्प कर सकते हैं। सही है, जो आपके पास सक्सेस हो चीज़ों की। तो बाकी नहीं, ये मुझे भी पर्सनली बात फील हुई थी। ठीक है, तो ये यही कहूँगा कि यार आपके पास तो चीज़ एक पड़ी हुई है, फारिग पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप किसी को दे दें, किसी का भला हो जाएगा। उस बंदे को सीरियस भी तो होना चाहिए ना, वो अगर सीरियस है तभी मांग रहा है ना। ठीक है, उसको ये काफ़ी है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है उसमें। ठीक है, चलें। थैंक यू सर, थैंक यू। मियां साहब आप बोलें ज़रा। यूसुफ ने जो आपको एडवाइस दी है, मैं उसके नहीं, दुराना नहीं है, आपने अपना कुछ बोला। माशाल्लाह,
खुश दिल रौनक मिजाज तो और महफिल की जान तो और मिलनसार ये सारी खूबियाँ आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर यूसुफ अली एग्जांपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने हकीम नज़ाकत अली का नहीं बना नहीं मैं वही हूँ जो हूँ भाई हकीम ना बनाऊँ नॉलेज जो है वो आगे पास ऑन करना पड़ेगा। इन शॉर्ट बात यह है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आगे पास ऑन कर दें फ्री में भी कर देंगे तो उसका अजर आपको अल्लाह की दाद देने वाली ठीक है नहीं करेंगे तो वो फिर हकीम वाली बात है बस सर वो कुछ टाइम के बाद आप हकीम नज़ाकत कुछ एथिक्स कुछ एथिक्स की बात होती है बस बाकी तो और कुछ नहीं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों के आने का आप लोगों के बुलाने का और आप लोगों के मशवरों का इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो इन पर अमल कर सकूँ लेकिन अभी अगले दिन भी हम नोट कर सकते हैं इसी दिन इसको एवेल्युएट करेंगे दोबारा कि मतलब इन चीज़ों पे मैं कितना आगे उतरा हूँ या कितनी चीज़ों को अपनाया या मैं वैसे ही हूँ तो ये देखते हैं चलें थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब माई चैनल यार बोल दो भाई इनका कर देंगे सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक और शेयर इसको करें।